हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशु ट्रेडर। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है और हमें कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर में बिगिनर हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत सारे बिगिनर्स को पता नहीं होता है कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है और वो ट्रेड करना शुरू कर देते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। अगर आप उनमें से एक हैं तो आपको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों, अब हम एटीएम, ओटीएम और आईटीएम के बारे में जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है एट द मनी, ओटीएम का फुल फॉर्म होता है आउट ऑफ द मनी और आईटीएम का फुल फॉर्म होता है इन द मनी। इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग रहा होगा दोस्तों कि क्या होता है ये। अब हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं और आपको समझाते हैं कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है। तो एटीएम हुआ एट द मनी। तो जैसे कि बैंक निफ्टी आप यहां पे देख सकते हैं 34,300 पे ट्रेड कर रहा है। ये देखिए 34,300 पे ट्रेड कर रहा है, यानी एट द मनी मतलब हुआ एटीएम एट द मनी, यानी 34,300 का ऑप्शन एटीएम हुआ। और आपको पता ही होगा दोस्तों कि कॉल ऑप्शन हम तब खरीदते हैं जब मार्केट का सिनेरियो ऊपर का होता है, और हम लोग पुट ऑप्शन तब खरीदते हैं जब मार्केट का सिनेरियो नीचे का होता है। और कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का दोनों का ओटीएम और आईटीएम अलग अलग होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम कॉल ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अब हम एटीएम आपको बताएं, 34,300 का ये हो गया एटीएम बैंक निफ्टी, क्योंकि 34,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो इसका एटीएम हुआ 34,300। अब हम ओटीएम, ओटीएम वो होता है दोस्तों कि जो प्राइस आने वाला है, मतलब कि बैंक निफ्टी ऊपर की साइड मूव कर रहा है, क्योंकि हम लोग कॉल ऑप्शन के बारे में जान रहे हैं। तो बैंक निफ्टी ऊपर की साइड मूव करने वाला है, यानी कौन सा प्राइस आने वाला है दोस्तों, 34,400 का प्राइस आएगा, 34,500 आएगा, 34,600 आएगा, तो ये हुआ ओटीएम, मतलब कि जो प्राइस आने वाला है उसे हम ओटीएम कहेंगे। अब हम इसमें आईटीएम के बारे में समझते हैं, यानी इन द मनी। इन द मनी वो प्राइस होता है जो प्राइस आ चुका है, मतलब जो प्राइस बीत चुका है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, यानी कि ये सारे प्राइस जो हैं आ चुके हैं, जो ये सारे प्राइस बीत चुके हैं, यानी ये हो गए इन द मनी, ये ऑप्शन इन द मनी हो गए, यानी कि 34,200 का कॉल ऑप्शन इन द मनी हो गया, 34,300 का ऑप्शन एट द मनी हो गया, और 34,400, 500, 600 ये सारे आउट ऑफ द मनी हो गए। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कॉल ऑप्शन में कैसे होता है आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एटीएम। अब हम पुट ऑप्शन की तरफ समझते हैं कि कैसे होता है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि पुट ऑप्शन में मार्केट का सिनेरियो नीचे होता है, यानी जब पुट हम तभी खरीदते हैं जब मार्केट का सिनेरियो नीचे होता है। तो इसमें एटीएम तो वही रहता है दोस्तों, जो कॉल में रहता है वो पुट में एटीएम वही रहेगा। जैसे कि बैंक निफ्टी 34,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी इसका भी एटीएम वही होगा 34,300 का, लेकिन इसका ओटीएम और आईटीएम बदल जाता है। वो कैसे, देखिए हमने आपको क्या बताया था कि जो प्राइस आने वाला है उसे हम ओटीएम कहेंगे। तो देखिए, मार्केट का सिनेरियो नीचे रहेगा, यानी मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो कौन सा प्राइस आएगा दोस्तों, ये आएगा 34,200 आएगा, 34,100 आएगा, 34,000 का आएगा। तो मतलब ये सारे ऑप्शन जो प्राइस आने वाले हैं, मार्केट नीचे आएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग पुट ऑप्शन को खरीद दे रहे हैं, तो मार्केट नीचे आएगा तो ये सारे प्राइस आएंगे। तो ये मतलब कि 34,200, 34,100, 34,000 ये सारे आउट ऑफ द मनी हो गए, मतलब कि पुट साइड का जो नीचे रहता है, मतलब मार्केट को नीचे आना है तो उसके नीचे क्या है वो होगा, जो आने वाला प्राइस है उसे हम ओटीएम कहते हैं। तो इसका ओटीएम हो गया 34,200। अब हम आईटीएम के बारे में समझते हैं। ये हुआ एटीएम, इसका प्राइस। अब हम आईटीएम के बारे में समझते हैं, यानी इन द मनी। इन द मनी आपको पहले हमने बताया दोस्तों कि जो प्राइस बीत चुका है, मतलब मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, तो मार्केट में कौन सा प्राइस बीत चुका है दोस्तों, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, तभी तो मार्केट नीचे आया दोस्तों। यानी कि 34,400 का, 34,500 का, 34,600 का, 34,700 का, ये सारे ऑप्शन इन द मनी हो गए, क्योंकि ये सारा प्राइस बीत चुका है, मार्केट नीचे आ रहा है तो वो सारे प्राइस को बिता चुका है, मतलब वो सारे प्राइस को मूव करके नीचे आया है 34,300 के आसपास। ये हो गया आईटीएम, ये हो गया एटीएम और ये हो गया ओटीएम। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों, आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है।
तो गाइस अब हम समझते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए, एटीएम, ओटीएम या आईटीएम। तो गाइस अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपको ओटीएम में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रीमियम जीरो होने के चांसेस हाई रहते हैं, क्योंकि वह पूरा का पूरा टाइम वैल्यू रहता है दोस्तों। अगर आप ऑप्शन को बाई किए और आपका ऑप्शन ओटीएम ही रह गया एक्सपायरी के दिन भी, तो वो प्रीमियम आपका पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू रहता है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको बिल्कुल भी ओटीएम में ट्रेड नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एटीएम और आईटीएम में ही ट्रेड करना है। अगर ज़्यादा बेहतर हो तो आप आईटीएम में ही ट्रेड करें, एटीएम में भी नहीं करें, क्योंकि एटीएम भी अगर प्राइस आप एटीएम लिए और वो प्राइस ओटीएम बनने का चांसेस रहते हैं, अगर वो प्राइस ओटीएम बन गया तो आपका वो प्रीमियम जीरो हो जाएगा दोस्तों। और हाँ, एटीएम ट्रेड कर सकते हैं, आईटीएम ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन बायर हैं, तो ओटीएम बिल्कुल भी ना करें। मैं तो बिल्कुल सजेशन नहीं देता कि ओटीएम आप ट्रेड करो। और हाँ, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपको ओटीएम में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रीमियम को ही जीरो करना है, प्रीमियम को कम ही करना है, और पूरा का पूरा ओटीएम का प्रीमियम पूरा का पूरा टाइम वैल्यू होता है, तो आप तो चाहेंगे ही कि उसका प्रीमियम जीरो हो, क्योंकि आप ऑप्शन सेलर हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप ओटीएम में ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और आप एटीएम में भी ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन सेलर हैं तो। लेकिन हाँ दोस्तों, आप आईटीएम में कभी नहीं जाएं अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो, क्योंकि आईटीएम में क्या होता है, उसका टाइम वैल्यू नहीं होता है, वो पूरा का पूरा प्रीमियम टाइम वैल्यू नहीं होता है, वो जीरो होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं दोस्तों। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप ओटीएम में ट्रेड करें, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप बिल्कुल भी ओटीएम को छुएं भी नहीं, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल सजेशन नहीं देता। आप एटीएम में ट्रेड कर सकते हैं, आप आईटीएम में ट्रेड कर सकते हैं, मैं तो ज़्यादा सजेशन दूंगा कि आप आईटीएम में ही ट्रेड करें, एटीएम में बहुत कम करें, आप आईटीएम में ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें। तो आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको प्रीमियम बढ़ाना है, घटाना नहीं है। आई होप दोस्तों आप ये टॉपिक भी समझ गए होंगे। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिए, अगर उसके बाद भी नहीं समझ आता है तो कमेंट में ज़रूर कीजिए, हम आपका सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।